हाय फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बात करने वाला हूँ अपने मोबाइल को हैंग होने से कैसे बचाएंगे। आजकल मोबाइल तो सभी मोबाइल हैंग हो रहा है, लेकिन अगर छोटी छोटी बातों को ध्यान में अगर रखें तो हम अपने मोबाइल को हैंग होने से रोक सकते हैं। मोबाइल हैंग होना तो कोई मतलब मोबाइल की खराबी नहीं होता है, जब भी मोबाइल पर लोड पड़ता है, ज़्यादा लोड पड़ता है तो मोबाइल वर्किंग नहीं कर पाता है उतना फास्ट, इसलिए मोबाइल हैंग होना चालू हो जाता है। अगर इसी तरह आपका मोबाइल हैंग होता रहेगा तो आपके मोबाइल को ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसको अगर छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखेंगे तो हमारा मोबाइल पे लोड नहीं पड़ेगा, जिसके कारण हमारा मोबाइल हैंग भी नहीं होगा। तो चलिए आज जानेंगे कि कैसे हम अपने मोबाइल को हैंग होने से रोक सकते हैं और किन किन चीज़ों को हमें ध्यान में रखना होगा। तो सबसे पहले आप अपने मोबाइल पर, कभी कभी ऐसे होता है कि कोई हाई क्वालिटी का 3D वॉलपेपर लगा लेते हैं, तो हमारा मोबाइल अगर उस वॉलपेपर को, अगर हाई क्वालिटी पे है उस वॉलपेपर को, मतलब मोबाइल सपोर्ट भी नहीं कर पाता है, यानी थोड़ा कैपेसिटी उसका रहता है लेकिन फिर उतना पूरा प्रोसेस नहीं कर पाता है उसको सही तरीके से, तो उसको लगाने से हमारा मोबाइल हैंग होना चालू हो जाता है। तो अपने मोबाइल में 3D वॉलपेपर न लगाकर HD क्वालिटी के वॉलपेपर लगाइए। अगर आपका मोबाइल पावरफुल प्रोसेसर का है तो आप लगा सकते हैं 3D में, नहीं तो आप सिंपल में HD प्रोसेसर कोई लगा लीजिए, अच्छा रहेगा, मोबाइल आपका हैंग नहीं करेगा। और दूसरी बात, हर एक आदमी अपने मोबाइल में बहुत सारा एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेता है, ज़्यादा एप्लीकेशन इंस्टॉल करने से मोबाइल के ऊपर ज़्यादा लोड पड़ता है और प्रोसेसर पर लोड पड़ने के कारण मोबाइल हैंग होने लगता है। तो आप वही एप्लीकेशन अपने मोबाइल में रखिए जिसका आपको ज़रूरत है डेली, और बाकी जो एप्लीकेशन है उसको अनइंस्टॉल करके रखिए। जैसे मैं मान लीजिए कि मोबाइल में बहुत सारा एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेते हैं, जैसे फ़ोटो एडिटिंग होता है, बहुत सारे एप्लीकेशन आता है जो इंस्टॉल करके हम लोग अपने मोबाइल में रख लेते हैं और हमारा मोबाइल फुल हो जाता है, और मोबाइल फुल होने के कारण प्रोसेसर के ऊपर ज़्यादा लोड पड़ता है। तो इन सभी एप्लीकेशन को जिसको डेली यूज नहीं करते हैं इनको अनइंस्टॉल कर दीजिए, और जिसको लगता है उसको इंस्टॉल करके रहने दीजिए। कम एप्लीकेशन इंस्टॉल होने के कारण हमारा रैम बहुत ज़्यादा मतलब बचेगा, जिससे हमारा मोबाइल प्रोसेसिंग करने में आसान रहेगा, मोबाइल प्रोसेस ज़्यादा करेगा, तो इस तरह हमारे मोबाइल के ऊपर कम लोड पड़ेगा। कम लोड पड़ने के कारण अच्छा से मोबाइल चलेगा, हैंग नहीं होगा। हम जब भी किसी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें तो हमेशा देख करके इंस्टॉल करें। कभी कभी क्या होता है कि कोई भी एप्लीकेशन को हम अपने मोबाइल में इंस्टॉल करते हैं, इंस्टॉल करने के बाद से हमारा मोबाइल बंद होने लगता है, जब भी उस एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो हमारा मोबाइल बंद पड़ जाता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो एप्लीकेशन को हम इंस्टॉल करते हैं अगर वो हाई वर्जन में रहता है, जो हमारा मोबाइल को सपोर्टेड नहीं होता है, उसको इंस्टॉल कर लेते हैं, तो इंस्टॉल करने के बाद से हम जब भी उसको ओपन करते हैं तो हमारा मोबाइल का प्रोसेसर होता है वो प्रोसेस नहीं कर पाता है उस एप्लीकेशन को, इसलिए हमारा मोबाइल हैंग होने लगता है, बंद पड़ जाता है। तो एप्लीकेशन को हमेशा देख करके इंस्टॉल करें कि हमारे मोबाइल के लिए कौन सा कितना वर्जन हमारे मोबाइल के लिए सही रहेगा। तो अगर आपका मोबाइल ज़्यादा पावरफुल है तो मतलब पावरफुल एप्लीकेशन को सपोर्ट करता है, लेकिन हमारा अगर मोबाइल मीडियम क्लास का है, उसका मीडियम प्रोसेसर है, तो हाई क्वालिटी का जो रहता है एप्लीकेशन उसको प्रोसेस नहीं कर पाता है, जिसके कारण हमारा मोबाइल बंद होने लगता है। तो हमेशा ऐसा ध्यान में रख करके इंस्टॉल करें। अगर एप्लीकेशन ज़्यादा पावरफुल रहता है, हाई वर्जन का रहता है, तो हमारे मोबाइल को जब सपोर्ट नहीं करता है तो हमारे मोबाइल के ऊपर वो ज़्यादा प्रभाव डालता है। तो ऐसे एप्लीकेशन को इंस्टॉल ना करें और ना ही अपने मोबाइल में रखें तो अच्छा रहेगा, आपका मोबाइल सेफ़ रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि हमारा मोबाइल कभी हैंग ना करे तो अपने मोबाइल में 15 से 20% स्पेस हमेशा खाली रखें, अपने मोबाइल को पूरा फुल ना करें, तो इससे आपका मोबाइल हैंग नहीं होगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मेरे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास मिलता रहे। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो कमेंट द्वारा पूछ सकते हैं।